हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित टॉक्स। आज मैं फिर आपके लिए एक नई छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वो राजा अपने राज्य के दूसरे शहरों में यात्रा करने के लिए जाता था। वहाँ के एक राज्य के अधिकारी ने उसको उपहार में दो तोते दिए। राजा को उपहार बहुत पसंद आया और उन तोतों को अपने महल लेके आ गया। राजा ने उन तोतों के रहने की व्यवस्था अपने महल के बगीचे में करवा दी और राजा को वो तोते बहुत ही प्रिय थे। वो रोज सुबह अपने महल की खिड़की से उन तोतों को निहारता। कुछ दिनों तक गौर करने के बाद राजा ने देखा, एक तोता तो अपनी जगह से उड़ता है और वापस आकर बैठ जाता है, मगर एक तोता उड़ता ही नहीं है। वो पूरे दिन शाखा पे बैठा रहता है। राजा थोड़ा सा परेशान हुआ। वो अपनी ये बात राज्य के दरबारियों से करता है और उनसे कहता है कि इस तोते को उड़ाने का कोई तरीका निकालिए। राज्य के दरबारी बहुत प्रयास करते हैं मगर किसी भी तरीके से उस तोते को उड़ाना नहीं पाते, उसको उड़ाने में असफल रहते हैं। राजा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो राज्य में घोषणा करवा देता है, जो इस तोते को उड़ाएगा उसको इनाम दूंगा। ये सुनकर एक किसान राजा के पास आता है और उनसे कहता है, महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्या पता आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। राजा ने बोला, अवश्य करिए। अगले ही दिन सुबह राजा देखता है कि वो तोता आसमान में उड़ रहा होता है। ये देख के राजा एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसे हुआ। वो जल्दी से उस किसान को अपने दरबार में बुलाता है और उससे जाकर पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, मेरे दरबारियों ने और मेरे काफ़ी सारे लोगों ने इतने प्रयास करे मगर इस तोते को उड़ा नहीं पाए, तुमने ऐसा क्या जादू किया। वो किसान हाथ जोड़ के राजा से बोलता है कि महाराज मैंने कोई जादू नहीं किया है, जिस डाल पर ये तोता बैठा था मैंने वो डाल ही काट दी, तो अपनी जान बचाने के डर से ही अपने पंख फड़फड़ाने लगा और आसमान में उड़ने लगा। ये सुन के राजा बहुत खुश होता है, कहता है बहुत खूब ये लो तुम्हारा इनाम। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हम सभी को सफल होने की क्षमता मिली है मगर इसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना आरामदायक जीवन नहीं छोड़ना चाहते, जिसके कारण क्षमता होते हुए भी वह ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आरामदायक जीवन छोड़ना पड़ेगा। सिंपल वर्ड में, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जो अपने फीडबैक्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जल्दी ही।